हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल फार्मेसी के टॉप 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में, अदर अदर स्टेट के एग्जाम में देखा जाए प्रीवियस पेपर में, तो काफी बार रिपीटेटिव रहा है। और इस बार भी संभावनाएं हैं कि इस 20 प्रश्नों को यदि आप अच्छे से रट लेते हैं इसके आंसर को, तो आपका जो इंसा किसी भी बोर्ड से हैं आप, किसी भी स्टेट से हैं आप, तो आपके एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसी 20 में से आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बाद आपको मैं 30 टॉप 30 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि 30 प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन, 20 प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन, 50 प्रश्न हर सब्जेक्ट के आप रट के चले जाइए। यदि आपको सिर्फ पास होना है तो ये 50 क्वेश्चन काफी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज यदि आप थोड़ा बहुत पहले से चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, ये 50 क्वेश्चन आपके स्कोर को और बूस्टअप करने में और बेहतर बनाने में काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो और सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे कि HAP अपलोड हो चुकी है, कोग्नोसी का अपलोड हो चुका है, प्लस आपका फार्मास्यूटिक्स का अपलोड हो चुका है। आज मैं सोशल फार्मेसी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सोशल फार्मेसी हो जाएगी, इसके बाद केमिस्ट्री भी हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बन जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी सारे सब्जेक्ट का देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन हेल्थ, हेल्थ क्या है, एवं एक्सप्लेन वेरियस इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। हेल्थ का क्या क्या वेरियस इंडिकेटर है उसको एक्सप्लेन करना है, और हेल्थ क्या है, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का क्या डेफिनेशन है, जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम लाइन टू लाइन डिटो वही डेफिनेशन लिखना है, और सारे डेफिनेशन आप अपने अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो WHO के द्वारा हेल्थ का डेफिनेशन है उसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड इट्स मेथड। फैमिली प्लानिंग को लेकर के तो आप शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मतलब आप पढ़ रखे हैं, तो आपको पहले से भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि फैमिली प्लानिंग यानी कहते हैं ना, दो ही बच्चे हैं मन के, मतलब बहुत अच्छे, अदरवाइज दो बच्चे से ज्यादा नहीं, हम दो, हमारे दो, इस तरीके का कुछ फैमिली प्लानिंग होता है ना। फैमिली प्लानिंग होता क्या है कि एक कपल को आपको एजुकेशन देना है, क्या कि आप अपने परिवार को जितना छोटा रखेंगे उतना बेहतर रहेगा, इसके लिए अलग अलग कंट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि कंडम वगैरह हो गया, फिर कॉपर टी, डिफरेंट डिफरेंट IUDs आते हैं, है ना, उस सारी चीज़ों के बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का अलग अलग डायमेंशन क्या है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हेल्थ के बारे में कई बार क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग लैंग्वेज में, तो एक जगह आप हेल्थ के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर लगभग उसी तरीके से लिखाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, राइट अबाउट द ग्राम स्टेनिंग मेथड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ग्राम स्टेनिंग मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, इस सारे ग्राम स्टेनिंग मेथड के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को अच्छे से पता कहते पढ़ लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, राइट अबाउट कॉजिटिव एजेंट, सिम्टम, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड द चिकन पॉक्स। टाइफाइड फीवर और चिकन पॉक्स का सिम्टम, कॉजिटिव एजेंट, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, हर चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि सोशल फार्मेसी का जो चैप्टर नंबर 4 है, कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड माइक्रोबायोलॉजी, इस टाइप से उस चैप्टर को आप हर एक डिजीज का कॉजिटिव एजेंट, सिम्पटम, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए। मेन है कॉजिटिव एजेंट, और सारे का सिम्टम लगभग एक जैसा रहता है, तो सिम्टम आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ट्रांसमिशन आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, कि ट्रांसमिशन नॉर्मली आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रिवेंशन क्या बचाव रहेगा, क्या ट्रीटमेंट है, सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि मैंने एक फ्लो चार्ट, मैं तो कहता हूँ कि आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए सोशल फार्मेसी का चैप्टर 4 का, कि जितने भी डिजीज दिए हुए सारे डिजीज का कॉजिटिव एजेंट क्या है, और उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और उसका सिम्टम क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इस टाइप से, ठीक है। और यदि आप चार्ट नहीं बना सकते हैं तो मैं बना रहा हूँ चार्ट आप लोगों के लिए, या तो मेरे पेड स्टूडेंट के द्वारा बनवा दिया जाएगा वो चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, टाइफाइड फीवर का
कॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी है, चिकन पॉक्स का क्या है, वेरुसोला जोस्टर वायरस है, कौन से डिजीज वायरल है, कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर वो आपको डिजीज का चार्ट चाहिए, सारे कम्युनिकेबल डिजीज का चार्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश कुमार, MITHILESHKUMAR 3620 है। ठीक है, और सारी चीजें स्मॉल में है, कहीं भी स्पेस नहीं है, MITHILESHKUMAR 3620। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसको सर्च करके मेरे साथ आप एक बार चैट कर लेंगे, मेरे को लिख देंगे मैसेज में, मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, काफी सारे स्टूडेंट हैं, आपको भी हेल्प मिलेगा। और इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा, विद इन 24 आवर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए, और ये चार्ट अभी मेकिंग प्रोसेस में, तो 1-2 दिन शायद समय लग जाए बनने में। ठीक है, नहीं तो खुद से बना सकते हैं तो खुद से बना लीजिए। नेक्स्ट है, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, राइट अबाउट पॉजिटिव एजेंट सिम्टम ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एसटीडी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितने भी एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है, तो इस सारे का पॉजिटिव एजेंट क्या है, सिम्टम क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 रहा। अब चैप्टर नंबर 8 में राइट फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट है, राइट अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पब्लिक हेल्थ केयर होता, यहाँ पे मिस हो गया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया गया, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। फॉर रोल ऑफ फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, सोशल फार्मेसी में मेनली ये पढ़ना है, तो फार्मासिस्ट का रोल को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इन पब्लिक में, तो राइट अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिजर्वेशन। वाटर पॉल्यूशन का इल इफेक्ट क्या क्या है, वाटर पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, और इसका क्या प्रिवेंशन है, कैसे बचा जाए वाटर पॉल्यूशन से, और क्या क्या तरीका जिससे कि वाटर पॉल्यूशन ना हो। डेमोग्राफी से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो डिफाइन डेमोग्राफी एंड राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल, और डेमोग्राफिक साइकिल होता क्या है उसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है अच्छे से। 12वां नंबर प्रश्न है, राइट अबाउट ग्राम स्टेनिंग मेथड ऑफ बैक्टीरिया। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये अदर स्टेट में आया होगा, तो उस क्वेश्चन को भी छांट लिया गया है, तो आपको ग्राम स्टेनिंग मेथड को अच्छे से पढ़ना है, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट ए नोट ऑन एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी पर एक शॉर्ट नोट लिखना है अच्छे से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में उतना खास चांस नहीं है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल एंड नेम द कंपोनेंट ऑफ इट। बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, और उसके सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से दिखाना है। ठीक है, फिर है व्हाट इज फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर 7। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड इंडियन पेशेंट। तो फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन पेशेंट में, वो ध्यान रखना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द लाइन ऑफ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, उन सारी चीजों को लिखना है। राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिस्कस ब्रीफली न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है उसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, न्यूट्रिएंट्स प्लस फार्मास्यूटिकल। वैसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, उसके साथ कुछ कुछ दवाइयां भी ऐड कर दी जाती हैं, तो उसको हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। अच्छे से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राइट ए नोट ऑन एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब कॉजेटिव एजेंट क्लिनिकल प्रिजर्वेशन रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसका कि आपको जरूर से जरूर याद रहना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर 4 का एक फ्लो चार्ट बना के रख लेना है 2-4 पेज का, और उसको रोज रोज रिवाइज करना है, तब याद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ कि पहले पेज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर फ्लो चार्ट चाहिए तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, और मैं बता दे रहा हूँ कि आप मैसेज कर दीजिए, मैं जैसे रेडी होगा सबको रिप्लाई कर दूंगा, सबको भेज दूंगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। और ये है नेक्स्ट पेज, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए,
और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और यदि आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर खुद लिख सकते हैं, खुद लिख करके पढ़ लीजिए, अदरवाइज बुक्स में आसानी से आंसर मिल जाएंगे। नहीं तो आपको मैं बताता हूँ तरीका कि अब कम समय है, अब आपको पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब आपको कोर्स वगैरह लेना पड़ेगा, तब आपको मेरी प्रॉपर गाइडेंस है चाहिए। अदरवाइज यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं कोर्स वगैरह में आने की, जो रियलिटी है। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, जैसे फार्माको इकोनॉमिक्स आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए, फार्माको इकोनॉमिक्स सर्च कीजिए, टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो आएंगे, उनको देखिए और बुक निकालिए, बुक से पढ़ के अपने से आंसर बनाइए, आंसर छांट के पढ़ लीजिए। इतना कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हैं तब आप जरूर हमारे कोर्स को विजिट कर लीजिए। उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर हमारा कोर्स है बी फार्मा फर्स्ट ईयर का, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कुछ दिन में आंसर स्टार्ट होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, यानी हर सब्जेक्ट में 50-50 ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको करवाए जाएंगे और इतना करवा दिया जाएगा जिससे कि आसानी से आप पास हो जाएं। और जो इसको अच्छा स्कोर करना है उनके लिए तो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू कंप्लीट सिलेबस करा दिया जा चुका है, लाइव क्लासेस के थ्रू भी पूरा सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश में डायरेक्टली आप एजुकेटर से बात कर पाएंगे, जो भी एजुकेटर आपकी क्लास लेंगे। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में चल रहा है एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको स्टोर वाले सेक्शन में जाना है और स्टोर वाले सेक्शन में आप अपने हिसाब से अपने कोर्स को सेलेक्ट करिए। और एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी, फिजिकल बुक जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सारा बुक वगैरह बना हुआ है, हम लोगों ने बनाया है, उस बुक को भी आप ऑर्डर यहीं से कर सकती हैं और मंगवा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको यदि किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। अदरवाइज किसी पढ़ाई लिखाई से प्रॉब्लम है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए, अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसी तरीके के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।